आज दोपहर हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राजस्थान पहुंचे कांग्रेस विधायक, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले सुक्खू, मुकेश और प्रतिभा सिंह। दारलाघाट में जुटे 8,000 ट्रक ऑपरेटर, सीमेंट प्लांट बंद करने को लेकर अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए नारे। काइकिंग एंड कनोइंग चैंपियनशिप के लिए भोपाल रवाना हुई हिमाचल की टीम। विजय दिवस पर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि, सेना अधिकारियों ने युवाओं को दी देश प्रेम की सीख। लोगों के स्वास्थ्य पर फोकस, नादौन में ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद शुक्रवार को सभी विधायक भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के साथ जुड़े। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का हाथ थामकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी विधायकों ने कदमताल की। सुबह पूरे जोश में हिमाचल कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आई और कदम से कदम मिलाकर इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का संदेश दिया। हिमाचल के नेता करीब 2 घंटों तक यात्रा में रहे। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने कहा कि हिमाचल में सरकार बनाना पार्टी के लिए उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हिमालय का ताज है और ताज अब कांग्रेस के पास है। यहीं से अब कांग्रेस की नई शुरुआत पूरे देश में होने जा रही है। इस मौके पर प्रभारी राजीव शुक्ला भी यात्रा का हिस्सा बने। अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद करने को लेकर शुक्रवार को 8 ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी के लगभग 4,000 ऑपरेटर्स दारलाघाट में जुट गए हैं। इन ऑपरेटर्स ने अपनी आगामी रणनीति पर विचार करने के बाद अडानी ग्रुप के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। ऑपरेटर्स ने बैठक के दौरान इस फैसले को तुगलकी करार देते हुए अडानी ग्रुप के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद सभी ऑपरेटर्स बैठक स्थल से निकलकर नारेबाजी करते हुए अंबुजा प्लांट गेट की ओर बढ़ गए ताकि बाहर खड़े हजारों ऑपरेटर्स के साथ खुले मैदान में बातचीत की जाए। उधर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश मुख्य सचिव ने सोलन व बिलासपुर के उपायुक्तों को संबंधित प्रबंधन से बात करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत सोलन में गुरुवार को ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ट्रांसपोर्टर्स नहीं पहुंचे थे, केवल अंबुजा प्रबंधन की प्रतिनिधियों के पहुंचने के कारण ये बैठक बेनतीजा रही थी। उपायुक्त ने अब शनिवार को एक बार फिर दोनों पक्षों को बैठक के लिए बुलाया है। आज अंबुजा कंपनी के मेन गेट पर दारलाघाट में कार्य सभी ट्रांसपोर्टर लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसका कारण है 14 तारीख को कंपनी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने एक बैठक ट्रांसपोर्टर्स की बुलाई और जिसमें एक संदेश उन्होंने दिया कि कंपनी जो है किन्हीं कारणों से अपना प्लांट आगे चलाने में सक्षम नहीं है और इसलिए है कंपनी अपना ये जो प्रोडक्शन का कार्य है उसे बंद कर रही है, जिसको देखते हुए कल एक बैठक आईजी लैंड ऑर्डर ने हमारी यहाँ फॉरेस्टर्स हाउस में बुलाई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये ना मालूम किन कारणों से आईजी साहब वहाँ नहीं पहुँचे। हम सभी लोग सभी संस्थाओं से सभी सोसाइटी से वहाँ गए थे। उसके बाद 3 बजे के लिए कल ही श्रीमान जिलाधीश महोदय सोलन ने सोलन में एक बैठक बुलाई, लेकिन क्योंकि हमें मैसेज 1:30 बजे के बाद मिला, हम लोग वहां जाने में समय पर पहुंचने में असमर्थ थे। अतः हमने फैसला किया कि हम अपने क्षेत्र में सभी कार्यरत सभाओं के सदस्यों के यहां पर बुलाएंगे और उनको वर्तमान में जो हालात उत्पन्न हुए हैं उससे अवगत कराएंगे और आगे क्या रणनीति हो इसके लिए उनका राय, उनका मशवरा लेंगे। इसके लिए आज बैठक बुलाई है। अभी हमारी ये बैठक SDTO के मुख्य हॉल में चल रही थी, लेकिन जनसंख्या इतनी अधिक हो गई कि मजबूरन हमें वहाँ से बाहर आकर यहाँ गेट पर इकट्ठा होना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में ट्रांसपोर्टर इकट्ठे हुए हैं और सभी लोगों का एक मत है कि ये जो कंपनी का तानाशाहीपूर्ण रवैया है और बिना किसी कारण से इन्होंने इस प्लांट को बंद करने का निर्णय लिया है, ये बिल्कुल अनुचित है और एक तरफा है तथा हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए जो भी हमें कुछ करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं, चाहे हमें अपनी जान की ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद।
दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1,00,000 का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-26-4713 पर। भोपाल में होने जा रही राष्ट्रीय जूनियर किंग एंड कनोइंग चैंपियनशिप के लिए हिमाचल प्रदेश की टीम पूरी तरह तैयार होकर भोपाल के लिए रवाना हो गई। टीम को बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं देते हुए जिला काइकिंग एंड कनोइंग एसोसिएशन ने किट प्रदान की और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करके मेडल हासिल करने की उम्मीद जताई है। हिमाचल प्रदेश की इस जूनियर टीम का भोपाल जाने से पूर्व बिलासपुर की गोविंद सागर झील में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया था, जिसमें सभी खिलाड़ियों को काइकिंग एंड कनोइंग के विभिन्न गुर सिखाए गए। शहीद स्मारक धर्मशाला में भारत पाक युद्ध 1971 विजय दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें सबसे पहले गजे युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में 9वीं कोर योल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल अतुल रावत ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने पूर्व सैनिकों, अधिकारियों, वीर नारियों व NCC कैडेट्स व छात्रों से बात की। उन्होंने विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए युवाओं से कहा कि आने वाले समय में आप भारतीय सेना के तीनों विंग में नजर आने वाले। उन्होंने युवाओं को देश का अच्छा नागरिक बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सबको विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरा भारत देश आज इस विजय दिवस को गर्व के साथ मना रहा है और आप में हमें भारत का भविष्य नजर आता है और जितनी भी चुनौतियां भारत के सामने आगे समय में आने वाली हैं वो आपके जैसे कैडेट्स, आपके जैसे बच्चे ही उनको निभाने वाले हैं। इसलिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि आज इस विजय दिवस के उपलक्ष्य पे आप लोग इतनी संख्या में और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने हमेशा ही, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो या आज जो हमारी सीमाओं पे हमारे चैलेंजेस हैं या हमारे पर्वत के ऊपर, आकाश में या समुंदर में, तीनों अंग जो भारतीय सेना के हैं वो बढ़ चढ़ कर उससे मुकाबला कर रहे हैं ताकि हमारा देश और आगे प्रगति कर सके। तो इसलिए मैं मेजर जनरल अतुल रावत, अपने कोर कमांडर साहब जनरल पुष्पिंदर सिंह साहब की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देता हूं और साथ ही जो एक्स सर्विसमैन कमेटी है यहां पे जिन्होंने हमें इसके लिए इनवाइट किया है उनका धन्यवाद देता हूं और हम ये चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़कर भारतीय सेना का हिस्सा बने और एक अच्छे नागरिक बने ताकि देश और प्रगति कर सके। नादौन अस्पताल में ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए यह बैठक आयोजित हुई। इस दौरान आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायतों के उपप्रधान तथा वार्ड पंच सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता खंड स्वास्थ्य अधिकारी नादौन डॉक्टर के शर्मा ने की। उन्होंने आशा वर्कर, पंचायत के उपप्रधान तथा वार्ड पंचों को ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि लोग स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य भी सही रहेगा। आज दोपहर हिमाचल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल TV के साथ।